दोस्तों ये है टाटा की एल्ट्रॉस रेसर एडिशन, और ये रेसर एडिशन की गाड़ी टॉप मॉडल है, फुल टॉप मॉडल है। इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलेगा सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके बोनट पर दो पट्टी वाइट कलर की यहाँ पर दी गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम गजब का ये आपको फील मिलेगा। फेरारी जैसी गाड़ी है, फेरारी की गाड़ी मात्र 11 लाख रुपये में, फेरारी जैसी साउंड करने वाली, इसकी आवाज़ भी बिल्कुल फरारी जैसा है। आगे भी आप देखेंगे इस वीडियो में, बस आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर भी दो पट्टी और ये सनरूफ भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर सनरूफ भी दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका जो विंडो है सामने का विंडो कुछ इस तरह से मिल जाता है, और डिस्प्ले देखिए कितनी बड़ी इसके अंदर लगी है। दो वाइपर वाशर भी आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रेसर की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलेगी दोनों साइड पे। ये देखिए पूरा पिलर इस तरह से, ऊपर आपको ब्लैक मिलेगा, नीचे आपका कलर इस तरह से है सामने, और ORVM भी तगड़ा एकदम फीचर के साथ। यहाँ पर आपको कैमरा भी मिलेगा, चार कैमरा, 360 व्यू कैमरा, और शायद इसके अंदर ADAS भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सेंसर रहेगा। और उसके बाद फ्रंट प्रोफाइल यहाँ पर देखेंगे तो फ्रंट पे एक कैमरा यहाँ पर दिया गया है, टाटा का नया शेप में लोगो, ग्रिल बिल्कुल नए शेप वाली यहाँ पर देख सकते हो आप, और एल्ट्रॉस रेसर एडिशन के यहाँ पर ब्रांडिंग, ग्रिल यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह से मिल जाती है जो कि ब्लैक फिनिश पे रहेगा। और इसमें आपको फॉग लैंप यहाँ पर दिया है जो कि हेलोजन बेस पे है। DRL आपको यहाँ पर मिलेगा, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपका है या फिर ये हेलोजन है, ये आप कमेंट करके बताएं। और हेलोजन बेस पे एक लाइट मिलेगी, इंडिकेटर भी आपको बल्ब पे, तो इसकी जो हेडलाइट है पूरी इस तरह से रहने वाली है फॉग लाइट के साथ, तगड़ी लाइट। और इसके ऊपर हेडलाइट के ऊपर ये आपका पियानो फिनिश यहाँ पर पूरा दिया गया है इस गाड़ी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए, ये चीज़ सबसे लाजवाब लगता है भाई। अब ये पूरा रहा गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल का डिटेल्स, अब आप बताइए कैसी लगी ये गाड़ी। अब चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के इस साइड प्रोफाइल, यहाँ से यहाँ पे भी रेसर मिलेगा, यहाँ पर भी एक कैमरा मिलेगा, ORVM पे तीन कैमरा होगा और एक पीछे। अब ये देखिए साइड प्रोफाइल यहाँ पर, ये आधा भाग ऊपर का ब्लैक रहेगा, सार्फिन एंटीना वगैरह सब मिलेगा। एलॉय जो है मैकव्हील, ये आपका क्रोम पे है, ग्रे कलर पे रहने वाला है। आगे आपको दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जा रहा है, ABS CVT ब्रेक असिस्ट के साथ। MREF का ट्यूबलेस टायर मिल जा रहा है, इको ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पूरा स्टील बेल्टेड रेडियल है ये भाई, एलॉय है या फिर स्टील बेल्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है। 185x60 यानी 16 इंच का इसके अंदर डायमंड कट में मिलने वाली है। पीछे आपको दिया गया भाई ड्रम ब्रेक, ये देखिए पीछे मिलेगा ड्रम, आगे मिलेगा डिस्क। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 लीटर पेट्रोल आएगा इस गाड़ी के अंदर। स्पॉयलर और शार्क फिन एंटीना बहुत तगड़ा, देखो पूरा स्पोर्टी फील वाला दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से पूरी डिज़ाइन दी गई है, ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। बाद अब पीछे से जो है पूरी गाड़ी इस तरह से दिखने वाली है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई टर्बो प्लस इंजन इसके अंदर तगड़ा है। पीछे आपको यहाँ पर दो पार्किंग सेंसर, रिवर्स में फिर कैमरा, चार कैमरा हो गया। यहाँ पर टाटा का नए लोगो, एल्ट्रॉस की ब्रांडिंग, और यहाँ पर डिफोगर वाइपर वाश सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपका मिलेगा रिवर्स लाइट, ये दिया गया है यहाँ पर, यह तेल लैंप्स आपको मिलेगा, ये आपका इंडिकेटर, सब एकदम बहुत ही तगड़ा तगड़ा फीचर्स मिलने वाला इस गाड़ी के अंदर। देखिए पूरा तेल लैंप, और ये पूरा पियानो फिनिश पर रहेगा ब्लैक पर, जितना चलेगा उतना ही वो रहेगा रिफ्लेक्ट, नहीं तो पूरा ये आपका ब्लैक आएगा, देख रहे हो ये चीज़ अच्छा। और पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलेगा, इससे क्या है गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त लुक देती है भाई। तो अब यहाँ पर जो है इसके अंदर भाई बूट स्पेस नहीं खुल रहा है क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है चार्जिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिफोगर वाइपर वाशर देख सकते हैं, पार्सल ट्रे भी इस गाड़ी के अंदर ही आपको मिल जाएगा। अब पीछे से एक बार ज़रा और लुक आप देख सकते हैं इस तरह से गाड़ी दिखने वाली है, बहुत ही प्यारा लुक यहाँ पर मिल रहा है गाड़ी के अंदर। अब चलिए इंटीरियर की बात करते हैं, तो ये आपका पियानो फिनिश रहने वाला इस गाड़ी का पूरा देख सकते हैं आप, ठीक है। डोर के हैंडल्स आपको बॉडी कलर पर सेंसर के साथ। अब यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ से खुलेगा, ठीक है, पीछे अलग पैसेंजर केबिन। एक चीज़ यार मज़ा आया मेरे को कि गाड़ी के अंदर देखिए डोर कितना अच्छा वाइड खुला है, एकदम चौड़ा पूरा एकदम समझ लो 90 डिग्री खुल गया है। यहाँ पर आपको फैब्रिक वाला आर्मरेस्ट हैंडल बहुत ही गजब का। यहाँ पर चारों पावर विंडो, डोर के लीवर्स, यहाँ पर आपका ये ट्विटर वगैरह, स्पीकर सब एकदम मस्त। अब यहाँ पर देखेंगे तो रियर में AC बैंड, और ये देखिए USB चार्जिंग पोर्ट 2.4 एम्पियर का यहाँ पर, और ये AC बैंड भी है। स्पेस देखिए कितना अच्छा दिया गया, दूसरे साइड का भी सेम टू सेम डोर आएगा। आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस, सीट देखो आप खाली गजब की यहाँ पर देख रहे हो, चाइल्ड का भी यहाँ पर आप सीट बांध सकते हैं,
ये देखिए पूरा सीट बेल्ट वगैरह यहाँ पर, ये देखिए आम, और पीछे आपका पार्सल ट्रे आई जगह, हैंडल वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हैंडल आपको मिल जाता है। और देखिए आपका ये आर्मरेस्ट आएगा इस तरह से, गजब का भाई, देख रहे हो एकदम लग्जरी यह है पूरा। ये फरारी कार है, फरारी, टाटा की फरारी कार, ये देखिए। अब यहाँ पर मेन डोर देखिए, ये भी इतना चौड़ा खुल गया, अरे दादर दादा देख रहे हो, एकदम खतरनाक, इतना चौड़ा खुला है कि कोई भी आसानी से अंदर बाहर हो सकता है। अब इस पर भी बढ़िया हैंडल मिलेगा, ज़बरदस्त, चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक सब पूरा सिस्टम, यहाँ पर स्पीकर ट्विटर सब पूरा आ जाएगा, जगह भी अच्छी खासी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका कॉम्बिनेशन गजब का, एसी बंद पे पुश बटन स्टार्ट मिलेगा, यहाँ पर डिफोगर वगैरह है, यहाँ पर 360 कैमरा है, लॉक अनलॉक यहाँ से होगा, ठीक है, ये देखिए। और क्लच ब्रेक एक्सीलेटर पेडल भी दिया है साइड में, आप पैर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको वेंटिलेटर सीट मिल जाती है, देखिए सीट एडजस्टेबल दी गई है। स्टेयरिंग देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ही गजब का ग्लोसी फिनेस के साथ रैप किया हुआ लेदर का, और उसके बाद क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जा रहा है। यहाँ पर इंफोटेनमेंट कंट्रोल, ब्लूटूथ कॉल कनेक्टिविटी, वॉइस असिस्ट, टाटा का लोगो सब आपको मिलेगा। और इसके बाद 6 एयरबैग भी आपको मिल जा रहा है, 6 एयरबैग आपको मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर। अब सेंटर कंसोल देखिए आर्मरेस्ट के साथ, वो भी स्लाइडेबल है, ठीक है, और जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर देखिए ये आपका गियर लीवर, 6 गियर की गाड़ी है, देख रहे हो। और यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, टाइप सी, यूएसबी, ये सारे कंट्रोल, हेडअप डिस्प्ले भी इसके अंदर है। वाह भैया वाह, कहाँ है यार हेडअप डिस्प्ले तो नहीं दिख रहा है, अब कहाँ है भाई, वो तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी यहाँ पर देखिए HUD दिया गया है, HUD ऑफ, यहाँ पर AC, और ये देखिए पूरा वेंटिलेटर सीट AC, यहाँ पर ऑटो AC मिल जाती है, एल्ट्रोस की बेजिंग, ये आपका हजार स्विच, यहाँ पर ये देखिए पूरा इस तरह से काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, 10.25 इंच है, 12.25 इंच भैया कमेंट करके बताओ, इतना भारी डिस्प्ले दिया है। इलेक्ट्रिक IRBM अडास वगैरह, यहाँ पर लाइट वगैरह देखिए, यहाँ पर ये पैसेंजर केयर बैग, सनरूफ यहाँ पर आपका खुल जाएगा, ये देखिए सनरूफ वाली पूरी गाड़ी है, एकदम मस्त वाली। दूसरे साइड का भी सेम टू सेम आपका हैंड डोर आ जाएगा, एकदम गजब का भाई, पूरा फैब्रिकेशन जैसा, बढ़िया सीट देखिए कितनी लाजवाब है, रेसिंग कार ऐसे होती है भैया, सीट देख रहे हो एकदम। और यहाँ पर हैंड ब्रेक, जगह देखो दूसरे साइड का, यहाँ पर देखिए ट्विटर वगैरह, स्पीकर, चेयर बैग, बहुत ही तगड़ा तगड़ा फीचर है यहाँ पर, ये आएगा पूरा डैशबोर्ड वगैरह इस तरह से। तो गाड़ी भाई कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, हमें तो भाई गाड़ी बहुत ही पसंद आई इस, ये गाड़ी और फर्स्ट इन सेगमेंट ऐसी गाड़ी है कि जो कि डोर इतना तगड़ा इसका खुल रहा है, सनरूफ वगैरह सब पूरा आ जाएगा। अभी साइड से पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लंबाई चौड़ाई इसकी गाड़ी की दिखने वाली है। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी की कुछ और डिटेल्स की। तो इंजन की बात करें तो 1199 सीसी 3 सिलेंडर, मैक्सिमम पावर 120 पीएस का और मैक्सिमम टार्क 170 एनएम का मिलने वाला है, और 6 स्पीड गियर बॉक्स है, और माइलेज 18 से 20 का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर, बूट स्पेस 345 लीटर का दिया गया है, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, ऑन रोड कीमत 11 लाख रुपए इस गाड़ी के है, स्टेलर टाटा नवसारी गुजरात में 11 लाख रुपए की ये कार है। और ये रहा इसका शोरूम, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्सॉन भी है, 11 लाख रुपए में ये महंगी है सस्ती, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। डाउन पेमेंट की बात करें तो सिर्फ 1 लाख में आप इस कार को खरीद सकते हैं, डाउन पेमेंट भर के 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए दीजिए और इस कार को अपने घर लेकर जाइए। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।